हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी के आपके अपने चैनल रामायण में आपका स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे पुस्तकालय अध्यक्ष यानी कि लाइब्रेरियन जो 460 पदों पर भर्ती होने वाली है। एक पद के लिए कितना क्या कंपटीशन है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और संपूर्ण जानकारी जो सिलेबस को लेकर के और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है और जो अलग अलग कोचिंगों के आपने एक कोचिंग ज्वाइन कर ली है लेकिन अलग अलग कोचिंगों के भी नोट्स आप प्राप्त करना चाहते हैं पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आपको किस प्रकार से अवेलेबल होने वाले हैं और कितने फॉर्म अभी तक आए हैं इस भर्ती में डिटेल से पूरी सारी जानकारी और जो आप सभी के डाउट है लगातार कमेंट आ रहे थे उन सभी पर चर्चा करने वाले हैं। तो अब बात करेंगे जो लाइब्रेरियन भर्ती है, आप सभी को बताएं कि 460 पदों पर यह भर्ती होने वाली है और टोटल फॉर्मों की बात करें तो कितने क्या आवेदन आए इन पर एक बार चर्चा कर लेता हूँ मैं। जो लोग 1 लाख के करीब फॉर्म बता रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, ओनली जो फॉर्म आए हैं लगभग 63,138 फॉर्म अभी तक आए हैं जो आप सभी को पता है। और पिछली वैकेंसी थी जो 2018 की वैकेंसी थी उसमें लगभग 90,000 के करीब फॉर्म थे और पोस्टों की संख्या भी उसमें लगभग 720-30 के करीब थी और यहाँ पर पोस्टों की संख्या भी कम है और आवेदन भी बहुत कम आए हैं। तो आप देख सकते हैं आवेदन कम आने का कारण ये है कि वो उस टाइम एक ही वैकेंसी थी तो इस प्रकार से फर्जी तरीके से जो लेकर के आए थे बाद में पकड़े गए थे आप सभी को पता है। और लेकिन इस टाइम ये इस भर्ती के आवेदन चल रहे थे तो इसके साथ साथ काफ़ी भर्तियों के भी आवेदन चल रहे थे और लगभग कंप्यूटर भर्ती जो जिस प्रकार से उसमें भी इस प्रकार फर्जी तरीके से जो डिग्री डिप्लोमा का खेल है हुआ था और उसी कारण से जिन्होंने पहले जिस भर्ती के लिए आवेदन किया था जिन्होंने डिग्री ले ली थी वो उन्हीं कैंडिडेट में इस भर्ती के लिए आवेदन किया है। और लगभग इस भर्ती में लगभग आपको 10% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो टारगेट लेकर के ही पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इतने फॉर्म आए लगभग 460 पदों पर यह भर्ती है और एक सीट के लिए कंपटीशन की बात करें तो लगभग 138 कैंडिडेट का एक सीट पर कंपटीशन होने वाला है। अब जो सिलेबस चेंज को लेकर भी आवाज़ उठाई थी लेकिन अब सिलेबस आपका चेंज नहीं होने वाला है, वही सिलेबस है तो उस पर एक बार डिटेल से चर्चा कर लेता हूँ। और सभी आपको मैं बता दूँ कि जो आप लाइब्रेरियन भर्ती के जैसिन यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं जिन जिन कोचिंगों में आपने एडमिशन लिया है उन सारी कोचिंगों के नोट्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल के टेलीग्राम ग्रुप पर मिलने वाले हैं तो एक बार ज़रूर ज्वाइन कर ले। आप बात करें सिलेबस को लेकर के आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है और हमारी तरफ से जो किस प्रकार से आपको फ्री में जो मटेरियल है अवेलेबल कराया जाएगा तो उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उस वैकेंसी में जो 2018 की वैकेंसी थी वहाँ पर आपको 300 नंबर का क्वेश्चन पेपर था, यहाँ पर 400 नंबर का है और यहाँ पर कुछ पोर्शन है वो बढ़ा भी दिया है आप देख सकते हैं। और उसकी कटअप क्या गई थी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले सिलेबस को लेकर के एक बार डिटेल से एक बार मैं आपके सामने रूबरू हुआ जहाँ पर राजस्थान की ज्योग्राफी हिस्ट्री कल्चर एंड जनरल नॉलेज हो गया, लगभग आपको 50 के क्वेश्चन करीब यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद बात करें तो करंट अफेयर जो आपको पता है कि ट्रेंड में अभी हर एग्जाम में पूछे जाते हैं राजस्थान का करंट अफेयर है यहाँ पर आपके लिए बहुत ईजी है। उसके बाद जो वर्ल्ड का और इंडिया का जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आने वाले 10 से 15 आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद एजुकेशन जो साइकोलॉजी है इसके भी 5 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 100 क्वेश्चनों का पेपर होने वाला है 200 नंबर के और 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। उसके बाद बात करें तो जो लाइब्रेरियन का पोर्शन है पूरा वहाँ पर आपको 100 पर्सन आएंगे और 200 नंबर का 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, यह भी 200 नंबर यानी कि टोटल आपके 400 नंबरों का 2 पेपर होने वाले हैं। अब सिलेबस जो आप देख सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पर और बड़ी बात यह है कि आपको दोनों पेपर पास करना ज़रूरी है, ये देख सकते हैं जनरल और ओबीसी के लिए दोनों पेपरों में 40-40% नंबर लाना ज़रूरी है यानी कि 100 में से 40-40 नंबर जनरल और ओबीसी के लिए ज़रूरी है। और एससी एसटी के लिए 5 नंबर की छूट दी गई है यानी कि 35-35 नंबर आप सभी को लाना ज़रूरी है जो एससी एसटी कैंडिडेट के लिए। ये तो हो गया जो क्राइटेरिया ये बोर्ड में, ये अब सारे जो एग्ज़ाम हो रहे हैं जिनमें 2 पेपर हो रहे हैं उन सभी में ये फिक्स है कि जो क्राइटेरिया है वो पास करना ज़रूरी है। अब आप सिलेबस देख लीजिए, ये आपका सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस के जो नोट्स है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिलने वाले हैं। लगभग फर्स्ट यूनिट से आपको 13 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो सेकेंड यूनिट है इसमें 4 यूनिट दी हुई है, सेकेंड यूनिट में भी आपको लगभग 20 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे और थर्ड क्वेश्चन जो
थर्ड यूनिट है जो इम्पोर्टेंट है, इसकी आत्मा कही जाने वाली है। यहाँ पर आपको 20 से 25 क्वेश्चन इस यूनिट से देखने को मिलेंगे। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन और प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, यहाँ इसी टॉपिक में से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। यानी कि आपको कंप्लीट चारों यूनिट के जो नोट्स हैं अलग अलग कोचिंगों के, वो नोट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप यूट्यूब चैनल से आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसके साथ ही आपको टेस्ट सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री में अवेलेबल होने वाली है, और फ्री में भी आपको नोट्स अवेलेबल होने वाले हैं। तो आपके लिए अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाएँ। अब आपकी जो कट ऑफ गई थी पिछले एग्ज़ाम की, और इस एग्ज़ाम की क्या क्या कट ऑफ रह सकती है, इसके बारे में एक बार चर्चा कर लेता हूँ मैं आपसे। ये देख सकते हैं कि नॉन टीएसपी एरिया की कट ऑफ है जो पिछले एग्ज़ाम की जनरल की कट ऑफ माने तो 227, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 215, एससी की 191, एसटी की लगभग 124 है, ओबीसी के करीब 124 है, 190 है। और उसके बाद बात करें ओबीसी की कट ऑफ क्या है, तो ओबीसी की 224 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और एमबीसी की 223 कट ऑफ गई है। यानी कि आपका ये 300 नंबर का पेपर था, तो आप देख सकते हैं कि कट ऑफ आपकी 76, 74, 75, 76 के करीब गई है। आप देख सकते हैं कि इतनी हाई कट ऑफ है, और वैकेंसी लगभग आपको पता होगा तो 750 के करीब यहाँ पर वैकेंसी थी, और इस वैकेंसी यहाँ पर भी वैकेंसी कम है, लेकिन इसी वैकेंसी की यहाँ पर दो पोर्शन कर दिए। एक तो क्राइटेरिया जो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है कि छटनी हो जाएगी, यहाँ पर दोनों पेपर पास करने जरूरी है यहाँ पर, यानी कि 40-40 और 35-35 का जो रेशो है वो पास करना जरूरी है, मेन बात ये। उसके बाद में इसकी कट ऑफ जाने वाली है, इसकी कट ऑफ कम रहने वाली है, क्योंकि इसमें करेक्ट एक ही पेपर था, यहाँ पर आपको यहाँ पर दो पेपर कर दिए हैं, आपके लिए ये बात फ़ायदे की बात है। और सिलेबस है जो आपका चेंज नहीं रहने वाला है। इसके बाद में वो नो टीएसपी एरिया की बात करूँ तो टीएसपी एरिया की क्या कट ऑफ रही है, उसके बारे में भी एक बार नज़र डाल लें। ये आप देख सकते हैं कि टीएसपी एरिया की कट ऑफ है जनरल की 200, एससी की 171 और एसटी की 129 है कट ऑफ। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो टेस्ट सीरीज है बिल्कुल आपके लिए फ्री होने वाली है, अलग अलग टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज और अलग अलग कोचिंगों के नोट्स है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइए। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को और शेयर कर दें। और सिलेबस आपका चेंज नहीं होने वाला है, जो इस फील्ड में आपके पास सिर्फ 55 और 60 दिन का समय बचा है, और अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा जितनी मजबूत कर सकते हैं उतनी मजबूत करिए।